समय कोरोना टेस्ट पे और आपको दवाई मिलेगी, ठीक है ना। आशा कर कार्य करते हैं ना, हमारी कोई व्यवस्था है बैठने हटने की। अगर प्रधान को मैसेज दिया होता तो आज के दिन तो प्रधान यहाँ पे पहुँच जाता है। प्रधान को फोन करने के बावजूद प्रधान जी आए नहीं, या तो उनको मैसेज पास नहीं होगा। सर वैसे टेस्टिंग होना चाहिए गांव में, कि अभी इस सिचुएशन में एक बार टेस्टिंग हो तो सही रहेगी। अभी सुबह के 9:45 हैं और मैं इस वक्त धारचूला के CHC में हूं, और यहां से काफ़ी सारे टीम ऑलमोस्ट एवरी डे यहां के, आप देख सकते हैं कि दूर दूर के जो पहाड़ हैं उन पे जो गांव है वहां पे वो जाते हैं हेल्थ कैंप्स लगाने, टेस्टिंग कराने। तो अभी मैं एक डॉक्टर के साथ हूं, बहुत ही यंग डॉक्टर के साथ। आप बताइए कि क्या नाम है आपका? डॉक्टर शालिनी फिरमाल। शालिनी जी बताइए कि आज का क्या कार्यक्रम क्या है आपका? आज अभी हम हमारे जो टीम मेंबर्स हैं करीबन 5 मेंबर्स हैं, तो हम लोग ऊपर गांव विलेजेस हमको अलॉट किया जाता है ऊपर से, हमारे जो सीनियर सर हैं वो हमको अलॉट करते हैं, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं। इनका नाम जी निखिल फिरमाल है जी, है ना, ये फार्मासिस्ट हमारे। अच्छा। इनका नाम कविता जी है। हाँ। और ये हमारी ANM है, ये टेस्ट वेस्ट करेंगे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे सीधी वो चट्टान जैसी है ना, मतलब पत्थर जैसा है सर। हाँ। तो उसमें कहते हैं जा रही थी तो कोई सामान लेने के लिए मिला नहीं। हाँ। तो अपने दुपट्टे से मैंने वो किया सर। हाँ। उसको बोक के लिया सर। हाँ। तो मेरे साथ जो दूसरी सिस्टर थी उसने ये बैग पकड़ा, तो फिर मैं ऐसे जा रही थी सर, सामान थोड़ा वो हो गया तो डिसबैलेंस हो गया तो सर गिरते गिरते हो जाएंगे। हम जैसे ऐसे ही गांव में जा रहे हैं सर। हाँ। तो ऐसे बता के जाता कि आज टेस्ट होने वाला है। हाँ। कोई आते हैं कोई नहीं आता है। अच्छा। अभी हमने आपके सामने 3 लोगों से बोल दिया है। क्या बोला उन्होंने? हाँ तो कह रहे थे सर पहुँचते ही नहीं पहुँचते, वो अलग बात है। वो आशा नहीं है भैया, जो ANM वाली आशा, स्वास्थ्य कर्मी जो ANM के साथ काम करती हैं, दवाई हवाई देती हैं वो। किसको लीजिए बोल, लीजिए भी कोई है नहीं, बोल देंगे इनको आप मार। बात छोटो यहाँ पे भाई कैसा नहीं का। आशा पता ही नहीं है, मैं बात करके आती हूँ, पता कभी कोई नहीं है यहाँ, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल में बैट बॉल खेला जा रहा है और नीचे स्कूल में तो हम गए नहीं, हम हमसे बोला ऊपर स्कूल या नीचे स्कूल में करवाना, तो हमने सोचा ऊपर स्कूल आते हैं क्योंकि ऊपर स्कूल में आए, यहाँ तो कोई भी है नहीं ना। आशा कार्य करते हैं ना, हमारी कोई व्यवस्था है बैठने हटने की। अभी हम हाँ अभी कब आओगे फिर? ऐसा है ना, इसका सिस्टम ये है कि जैसे हर जगह कैंपिंग वगैरह होती है तो सारे गांव के प्रधान लोग बोल रहे हैं, है ना, कि जैसे वो एक लेटर लिखते हैं, हमारे जो MOIC सर हैं, हमारे जो बॉस हैं, उनको बोला जाता है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे उसमें कैंप लगाइए। अब यहाँ पे ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, नेटवर्क नहीं पकड़ता, काफ़ी इंटीरियर एरिया बोलो, है ना, देखो यहाँ पे रोड भी इतनी भयंकर सी है। और हम बता रहे हैं कोई जरूरत नहीं।
प्रधान जी को फोन किया है आपने जी? क्या बोला प्रधान जी ने? वो आते हैं, अभी पहुंचते हैं घर। अभी पहुंचते हैं। इसके पहले उनको पता था कि यहाँ पे टेस्टिंग होने वाली है? पता नहीं सर, ये तो मुझे भी अभी पता चला। अच्छा, ये यहाँ पे टेस्टिंग हुई है पहले? इसके पहले, इससे पहले टेस्टिंग कुछ नहीं हो रही थी। अच्छा, यहाँ पता ही नहीं है गाँव वालों को टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, आगे पीछे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सबसे फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है? फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसके पहले गाँव क्या की स्थिति कैसी थी? लोगों को बुखार ज्यादा था क्या? फिर लेकिन लोगों को बुखार था। अच्छा, उसके बाद एक मिनट रुको, गाँव लोग हल्का फुल्का बुखार था जो मतलब ठीक अपने आप ही ठीक हो गया, और उतना ऐसा कोई केस आया ही नहीं कि जो मतलब इतना गंभीर हो जैसे कोरोना। तो हो सकता था कोरोना हो, टेस्ट नहीं हो इसलिए पता नहीं चला। पता नहीं चला मतलब टेस्ट हुआ ही नहीं। मतलब आप लोगों ने कोशिश की थी टेस्ट कराने के लिए? टेस्ट क्यों नहीं करा था लोग? अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो टेस्ट क्यों नहीं कराए? अब सर ऐसा ना, टेस्ट के लिए अब लोग एक तो मतलब सब वही गरीब जनता हुई, मतलब उतना बजट नहीं हो उन लोगों के पास कि जो जाए मार्केट। फिर लॉकडाउन के चक्कर से टिकट भी महंगा हुआ तो लोगों का आने जाने में भी वो बड़ी दिक्कत होने लगी, तो उसी वजह से कोई गया ही नहीं। फिर अपने आप घर में रहे तो वो खुद ही ठीक हो गए, कुछ तो मतलब रिकवरी हो गई थी मतलब उनकी कोई। लेकिन लोगों को बुखार आने के बाद वो ठीक हो गए, और मतलब किसी को चल ही रहा है अभी फिलहाल, अभी टेस्टिंग का कोई नहीं जो आप अभी आए। यहाँ पर टीम अभी बैठी हुई है कुछ आधे घंटे से ज़्यादा ऊपर, लेकिन ना प्रधान आया है ना ये स्कूल खुला है, उसके वजह से वो अटके हुए हैं। तो वो भी बोल रहे हैं कि कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं आते तो चले जाएंगे। कुछ भी चिट्ठी वगैरह कुछ तो चलता है यार, हमारे पर नहीं है। हमारे तो ऊपर से आते ना ऑर्डर्स, उनसे हमसे गाड़ियां तो चलती है ना। ऐसे वो सूचना कर देती दो 7294। और क्योंकि ग्राम के प्रधान को फ़ोन किया, वो नहीं आए, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, तो फिर वेट करते करते और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई आया भी नहीं था। तो अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि अभी जाएंगे और बाद में जब टीम आएगी तब आएगी। तो गांव वालों का जो बोले थे कि टेस्टिंग करना है, उनका तो टेस्टिंग नहीं होगा, उनको मेडिसिन भी नहीं मिल पाएंगी। सो नेटवर्क का प्रॉब्लम तो है ही यहाँ पर हर जगह, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो ऑफन क्या बहुत सारे विलेजेस हैं यहाँ पे। ये इस साइड पे जो विलेजेस नदी के उस पार, वो नेपाली विलेजेस हैं, और ऑफन क्या करते हैं लोग नेपाली सिम खरीदते हैं और फिर वो मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि इस जगह पे ऑफन नेटवर्क ही नहीं आता है। तो नेटवर्क मेजर, रोड के अलावा तो है ही, रोड तो है ही, उसके अलावा नेटवर्क मेजर कनेक्टिविटी हर्डल है, वो भी एक फ्रंटियर एरिया में, आगे चाइनीज़ चाइना बॉर्डर आगे ही है। तो यहाँ पे अगर नेटवर्क नहीं हो ठीक से, लोग सूचना ना दे पाए, तो फिर बहुत बहुत ना सिर्फ हेल्थ लेकिन और भी नेशनल सिक्योरिटी के रीज़न से भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। Following a health team to a hilltop village on a road that really can't be called one is both risky and difficult. But the Quint is trying its best to tell you stories from the ground, stories that matter. Our efforts not only require a lot of time, but also a lot of money, and this is why we need your support. Become a member of the Quint today to support its relentless coverage of the COVID-19 pandemic. Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Support the Quint tab, choose a plan and pay.